स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के बीएससी कोर्स के प्रिपरेशन में आज हम आपको फिजिक्स के पार्ट टू में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न समझाएंगे। यह हमारा फिजिक्स का पार्ट टू है। इसके पहले हमने पहला पार्ट बनाया है और जब तक इंटेंस नहीं होगा हम फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी कोर्स के लिए देते रहेंगे। हमारा चैनल आपको एक क्वालिटी कंटेंट वाला वीडियो दे रहा है और इसके अतिरिक्त आपको ऐसा वीडियो और किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इन वीडियोज़ का लाभ ज़रूर लें। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है, मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? जी हाँ, मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? तो देखिए, पानी में तैरने के लिए आप सभी ने पढ़ा ज़रूर होगा कि हर वो चीज़ पानी में तैर सकती है यदि अगर हम उसे पानी में रखें तो वो जो पानी हटाता है अपने भार से अधिक पानी हटा देगा तो वो तैरेगा। अगर ऐसा कोई ऑप्शन मैच करेगा तो वही सही होगा। आइए देखते हैं। पहला, मृत्यु के बाद शारीरिक भार कम होने से, नहीं ये तो नहीं हो सकता। तापमान शून्य होने से बर्फ सा लगता है, ये भी नहीं होगा। शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो तैरने पर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर ऐसा कभी भी कहीं भी क्वेश्चन दिखता है तो वही चीज़ आप बताइएगा। लकड़ी पानी में क्यों तैरती है, लोहे का कील पानी में डूबता है, जहाज़ पानी में क्यों तैरता है, इन सब का जवाब इसी कॉन्सेप्ट से दिया जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, दो सदिश P बराबर इतना और Q बराबर इतना समांतर होंगे यदि B बराबर 0, B बराबर 1, B बराबर 2, B बराबर 4। तो दो सदिश के समांतर होने का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, देखिए लंब होने का तो दोनों का डाट गुणा शून्य होता है, समांतर होने के लिए और कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन ये एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, आप यही यूज करिएगा। दो सदिश, जैसे यहाँ सदिश P और Q था, तो दो सदिश P और Q समांतर होंगे यदि इसके आई कैप का गुणांक बटा इसके आई कैप का गुणांक, मतलब 2/1 बराबर हो इसके जे कैप के गुणांक बटा इसके जे कैप के गुणांक के, ठीक है, और फिर यहाँ के कैप के गुणांक और के कैप के गुणांक इस आपस में बराबर होंगे तो पी और क्यों समांतर होते, ये कंडीशन है। तो चाहे आप इन दो पदों से देख लीजिए, चाहे आप इन दो पदों से देख लीजिए, बी का मान दोनों तरफ से कितना आ रहा है, 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस प्रश्न में। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं। नंबर नेक्स्ट, एक फेमटोमीटर तुल्य है, तो फेमटोमीटर का मान 10^15 होता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। और फर्मी बोलेगा तो आपको यहाँ पर, सॉरी, फेमटो जो है वो फर्मी ही होता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका पेटा की वैल्यू होती है, ठीक है, तो फेमटो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो सकता है, आप भी ऐसा गलत कर सकते हैं, इसलिए इस बात को ज़रूर ध्यान दें। चलिए तीसरा प्रश्न हो गया, चौथा देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, एक वस्तु को 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है, इसे पृथ्वी पर टकराने में कितना समय लगा होगा, ठीक है। तो देखिए, जब किसी चीज़ को ऊपर फेंका जाता है तो यहाँ पर वो फिर से पृथ्वी पर आकर गिरेगा, तो ये पूरा टाइम उड्डयन काल होता है, ठीक है। इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, उड्डयन काल का फार्मूला यहाँ 2u, और वैसे तो 2u साइन थीटा बाई जी होता है, बट यहाँ पर 2u बाई जी ही लिखेंगे, थीटा 90 हो जाएगा क्योंकि ऊर्ध्वाधर फेंक रहे, इसलिए साइन का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। तो ये उड्डयन काल, मतलब जो समय लगेगा उसे उड्डयन काल कहते हैं, टी इज इक्वल टू 2u/g। तो 2 अपनी जगह, जी u की वैल्यू कितना था 100, और g का यहाँ अप्रॉक्सिमेट था, हम यहाँ पर 10 लेंगे, वैसे 9.8 भी लिया जा सकता है, 10 लेंगे तभी उत्तर मैच करेगा। तो यहाँ से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 10 × 2 कितना हो जाएगा 20 सेकेंड, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ये प्रश्न था और आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, किसका परिणामी 4 न्यूटन नहीं हो सकता है, मतलब जो यहाँ पर सेट दिए गए हैं बलों के उनमें किसका परिणामी 4 न्यूटन नहीं हो सकता। तो देखिए, परिणामी या तो जोड़कर आप मैक्सिमम अगर लाओगे तो जोड़कर लाओगे, मिनिमम लाओगे तो घटाकर लाओगे। देखिए, 2 और 2 = 4 हो गया, 8 में से 2 भाई जोड़ दोगे 10 हो जाएगा, 4 तो आने का सवाल ही नहीं उठता, 8 में से 2 घटाओगे तो 6, ये नहीं हो रहा है। अब यहाँ से देखते हैं,
कि छह में से दो घटाओगे चार, तो ये दोनों तो इसको मैच कर रहे हैं, तो यही नहीं मैच कर रहा, इसका मतलब ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, मतलब कार्य करता है? तो पहला ऑप्शन श्यानता, दूसरा बायल का नियम, तीसरा गुरुत्वीय बल और चौथा केशिका तथा पृष्ठ तनाव। तो बॉल पेन आपका गुरुत्वीय त्वरण सॉरी गुरुत्वीय बल पर काम करते, वैसे रखोगे बॉल पेन तो जो स्याही है गुरुत्वीय बल के कारण ही नीचे आएगी ना। चले नेक्स्ट देखते हैं। एक परिणामी 5 मीटर पर सेकंड वेग का एक घटक जो है 3 मीटर पर सेकंड है, दूसरा घटक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए घटक जो परिणामी का जो सूत्र होता है, पहले घटक का स्क्वायर प्लस दूसरे घटक का स्क्वायर करणी में, ये सूत्र आपने सदिश में पढ़ा जरूर होगा। तो परिणामी 5 है मैंने रख दिया, पहले घटक का मान जो था ये 3 था मैंने यहाँ रख दिया, दूसरे घटक को हमको ज्ञात करना तो मैंने ऐसे लिख दिया। इस करणी को हटाकर इधर लाओगे तो इसका वर्ग करोगे 25, 3 का वर्ग 9, और 25 को ले जाकर 9 मतलब 9 को ले जाकर 25 में घटाओगे तो तुम्हारा 16 बनेगा। तो V2 स्क्वायर बराबर तुम्हारा यहाँ पर जो है यहाँ मैंने नाम लिखा 16 आएगा, और फिर जब स्क्वायर उधर ले जाओगे तो 16 का वर्गमूल 4 बनेगा। तो इस हिसाब से ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि n कैप वेक्टर a की दिशा में एकांक सदिश है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भैया इसमें तो कुछ करना नहीं है, ये एक आपका सूत्र है, इसलिए आप इस पर टिक कर लीजिए और इसे याद रखिए। ठीक है, इसमें कुछ समझाने लायक है ही नहीं। अब देखिए नवा प्रश्न है, जल का घनत्व है तो यहाँ भी कुछ करने लायक नहीं है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है तो 10^3 लिखा है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, किस घड़ी में घंटे वाली सुई का कोणीय वेग होता है, सॉरी किसी घड़ी में किस नहीं किसी घड़ी में घंटे वाली सुई का कोणीय वेग होता है? पाई बटा 180 रेडियन प्रति सेकेंड, या फिर पाई बटा 18 रेडियन प्रति सेकेंड, या फिर पाई बटा 21600 रेडियन पर सेकेंड, या फिर पाई बटा 60 रेडियन पर सेकेंड, मतलब कोणीय वेग जो है घंटे वाली सुई का कितना होगा? तो देखिए चाहे घंटे वाली सुई हो, चाहे मिनट वाली सुई हो, चाहे आपका जो है सेकेंड वाली सुई हो, आपको वेग ज्ञात करना है। तो वेग का फार्मूला विस्थापन बटा समय होता है, लेकिन कोणीय वेग का अगर आप फार्मूला यहाँ पर जानना चाहेंगे तो कोणीय वेग का फार्मूला थीटा बाई टी, मतलब कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, मतलब कोणीय विस्थापन बटा समय। अब चूंकि कोणीय विस्थापन हम यहाँ पर देखो समय अगर एक घंटा लेंगे तो हम ये देखेंगे कि एक घंटा में कितना कोणीय विस्थापन हुआ है। तो देखो बच्चों ये आपकी घड़ी हो जाती है, और मान लो घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ पर पहुँचती है और एक घंटा हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक कि कोण का कितना विस्थापन हुआ? तो आप सभी को पता है कि यहाँ 1 लिखा है और ऐसे आओगे तो यहाँ 12 लिखे जाएगा। तो ये पूरा जो 360 अंश का कोण है 12 मतलब कि बराबर भागों में बट जाएगा, तो 360 का 12वां भाग अगर आप निकालोगे तो 30 आएगा। अब चूंकि वृत्तीय पद्धति में कोण को रेडियन में रखते हैं, इसलिए 30 अंश को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, कितना हो जाएगा? पाई बाई 6 रेडियन। तो हमारा कोणीय विस्थापन इसमें जो है वो पाई बाई 6 रेडियन है। ठीक है, नाउ टाइम चूंकि एक घंटे में आपने निकाला है तो टाइम जो है एक घंटा लिखोगे। अब चूंकि सारे ऑप्शन जो हैं आपके सेकेंड में दिए गए हैं तो यहाँ पर हमने एक घंटे में कितना सेकेंड होता है 3600 लिख दिया। अब इस 6 यहाँ आकर गुणा करेगा तो पाई बटा 21600 जो है रेडियन प्रति सेकेंड इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।